सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, आप लोगों को बहुत सारे ASMT 10 आते हैं, बहुत सारे DRC 01 आते हैं। अब आप बिना रिश्वत के कैसे उनका रिप्लाई करें और कैसे अपनी प्रोसीडिंग को ड्रॉप कराएं, इसके लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मेरे को एक नोटिस आया हुआ है और वो नोटिस जो है 5 मार्च 2024 को आया था और उसकी रिप्लाई की डेट क्या थी, 3 अप्रैल 2024। सेक्शन 61 का नोटिस था, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का नोटिस था। इस नोटिस के अंदर मेरे को बोला गया कि जी आप टैक्स जमा कराओ, डिस्क्रिपेंसी है। मैंने इसका रिप्लाई करा, ठीक है ना, मैंने रिप्लाई क्या करा, 5 मार्च से पहले ही कर दिया, ठीक है ना, अपनी ड्यू डेट से पहले ही कर दिया, मैंने डिले नहीं करा। और उसके बाद मेरे को जो ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, मेरी प्रोसीडिंग ड्रॉप हो गई। तो सर मैंने क्या रिप्लाई करा, क्या चीज़ें मैंने ध्यान में रखी, क्या मैं इसमें डिपार्टमेंट में मिल के आया, आंसर इज़ नो, मैं डिपार्टमेंट के अंदर गया ही नहीं, ठीक है ना, फिर भी मेरी प्रोसीडिंग्स जो है ड्रॉप हो गई। सर ऐसा क्या करना है हमारे को, चलो पहले समझते हैं। पहली बात तो मैं तुम्हें नोटिस दिखाऊंगा, ये नोटिस आया था मेरे को ASMT 10। भैया अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये नोटिस सही था या गलत था। भैया नोटिस बिल्कुल ठीक था, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का नोटिस था, सेक्शन 61 में आया था। और इन्होंने क्या बोला था कि साहब आपका जो 2A है उसमें ITC बड़ा कम आ रहा है, लेकिन आपने जो 3B में ITC क्लेम कराया है वो ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करो हमारे को 5200 रुपये जमा करा दो और साथ में इंटरेस्ट भी जमा करा दो। मैंने कहा भैया इस बात को पहले समझो, मेरे पास एक रास्ता ये था कि जो 5 मार्च को नोटिस आया जिसका रिप्लाई मुझे 3 अप्रैल को देना था, इसके अंदर मेरे पास पहला ऑप्शन ये था कि मैं ज़्यादा बहसबाजी ना करता और ये जो 5000 रुपये का टैक्स था ये जमा करा देता, साथ में इंटरेस्ट जमा करा देता और चैन की नींद सो जाता। लेकिन अगर मेरे क्लाइंट का सारी चीज़ें ठीक है तो भाई मैं क्यों जमा कराऊँ। तो मैंने क्या करा, मैंने ये टैक्स को जमा नहीं कराया, मैंने इसका रिप्लाई दिया। अगर आप रिप्लाई देखोगे तो ASMT 10 मेरे पास आया हुआ है और मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। रिप्लाई में मैंने सिंपल बोला कि जी आपका जो मेरे को नोटिस आया था फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, जिसमें आपने मुझे डिस्क्रिपेंसी दी थी, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो मैंने इन्हें क्या रीज़न बताया कि भैया ये वाला जो 19-20 में ITC है, ये जो 19-20 में ITC है, ये जो मैंने क्लेम किया है, ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है। तो क्या मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ITC 19-20 में क्लेम कर सकता हूँ, आंसर इज यस, 18-19 का ITC 19-20 में क्लेम कर सकता हूँ। सर ऐसा कौन कह रहा है, भैया ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा सेक्शन 39(9) कहता है और सेक्शन 16(4) कहता है। मैंने यहाँ पर सपोर्टिंग में क्या करा, नोटिस 19-20 का था, लेकिन मैंने सपोर्टिंग में क्या करा, 18-19 की कंपैरिजन शीट लगा दी, जो कंपैरिजन शीट मुझे क्लियरली बताती है कि भाई मैंने ITC कम क्लेम करा था। मैंने ये कंपैरिजन शीट लगा दी कि भैया मेरा तो पहले ही डिपार्टमेंट के पास एक्स्ट्रा ITC था और मैंने उसमें से कुछ ITC 19-20 में क्लेम कर लिया, तो अब बताओ मैंने इसमें कुछ गलत किया गया, आंसर इज नो। और मैंने यहाँ पर सेक्शन 39(9) भी कोट कर दिया और सिंपल सेक्शन 16(4) भी कोट कर दिया और मैंने बोला कि भाई इस सेक्शनों के हिसाब से मैं अगले साल 30 नवंबर तक ITC ले सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या करा है, जो ITC है वो अपना क्लेम किया है। और अगर आपको ठीक है कुछ भी और समस्या है तो आप मुझे बता देना, मैं दोबारा से आ जाऊँगा पर्सनल हेयरिंग करने। लेकिन ऑफिसर ने मेरे रिप्लाई को पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद क्या करा, 27 मई को, हो सकता है मेरा इंतज़ार भी कराओ, ठीक है ना, लेकिन मैं तो गया नहीं, ठीक है ना, मेरे पास कोई कॉल आई। तो 27 मई 2024 को हो सकता था वो DRC 01 इशू कर देते कि नहीं भाई हम तो नोटिस देंगे, लेकिन उन्हें लगा भैया रिप्लाई ठीक था, सारी चीज़ें ठीक है, तो इन्होंने मेरे रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि तुम्हारा रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, अब हम कोई भी एक्शन फर्दर नहीं लेंगे। तो इस तरीके से सर ये तो बड़ा छोटा सा नोटिस था, आपका ड्रॉप हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप सही से रिप्लाई करेंगे और पहली बार में ही सारी चीज़ों को अटैच कर देंगे, अपनी चीज़ों को समझा पाएंगे, तो मेरे हिसाब से जितने भी आपको नोटिस वगैरह आते हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या करा है, आप लोगों के लिए GST लिटिगेशन का कोर्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो GST लिटिगेशन के कोर्स में सारी चीज़ें
सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे कि कैसे रिप्लाई देते हैं ASMT 10 का, ASMT 11 में, ये सारी चीज़ें हम आपको GST लिटिगेशन के कोर्स में बताएंगे। हर संडे होगा ये कोर्स, इसकी लाइव और रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर मैं तो ये वीडियो आपकी देर से देख रहा हूँ, मेरी तो एक क्लास दो क्लास निकल गई, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी क्लास निकल गई है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर आपको हमारा फुल कोर्स चाहिए तो आप हमारा फुल अर्जुन कोर्स भी ले सकते हैं। और हाँ, मुझे पता है ITR का सीजन आ गया है, तो ITR का सीजन आपका अच्छा जाए इसलिए ITR 1 से लेकर ITR 7 तक हर संडे कराएंगे। हर संडे एक ITR उठाएंगे और हर संडे एक ITR कराएंगे। तो आप हमारे वेबिनार की एनुअल मेंबरशिप ले लो, या सिंगल सिंगल वेबिनार ले लो, या पूरे ITR का कोर्स ले लो। बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस का है। उसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है ना, और लाइव भी आप मेरे से ITR भरना सीख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। हमारी वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।